जाइए, कोई संकट हो आप अपने एमपी से मिल सकते हैं, सांसद से मिल सकते हैं, गाजीपुर चले जाइए सांसद के पास मिलकर बात कर सकते हैं, आवाज उठाई जा सकती है, देवरिया चले जाइए, गोरखपुर चले जाइए, आजमगढ़ चले जाइए, हर जगह का सांसद चाहे पार्टी को मिल जाता है। घोषी को क्या हो गया है ये आप चिंतन कब करेंगे और कब तक ऐसे लगाकर हमको लोग मारते रहेंगे? ऐसा व्यक्ति जो कह रहे थे, बयान दिया है टीवी चैनलों ने कि राजीव राय को हमने सेट कर दिया है, राजीव राय को हमने टिकट दिला दिया है। बड़े मनोरंजन मंत्री जी, आपकी हैसियत और एहतियात नहीं है कि राजीव राय को खरीदो सेट करो। राजीव राय को पूरी भारत सरकार चुका नहीं पाई, पूरी भारत सरकार चुका नहीं पाई। आप जैसे लोग उससे आगे का नाम मैं लेना चाहता हूं, अपने औकात और हैसियत से बात किया कर। मंत्री चार तारीख के हो तक हो 500 जो भी पैदल कर देंगे, क्योंकि जो भी चीजें भूले नहीं होंगे कि कैसे भीख मांगेंगे और घंटा बजाने की बात कर रहे थे। राजनीति हमारा विरोध हो सकता है, विचारों का विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन हम इस हद तक उतर जाए माँ बहन की गालियां दे, जूते मारने की बात करें, भीख मंगवाने की बात करें, ऐसे व्यक्ति को समाज और राजनीति में कलंकित करने का काम करता है। तब मैं एक बेट पर उससे आवेदन करता हूं या अपील करता हूं कि जो आपके सम्मान को चेक पहुंचाता है, समाज को कलंकित करता है, राजनीति को गंदा करता है, उसकी हैसियत का दिखाने के लिए वह कितने दिन बना है, एक जुन बाबा सिंह देकर हैसियत का बता दीजिए, आपके मन सम्मान की जिम्मेदारी नहीं है। मेरे नेता को जाना है, दिल में बहुत सारी बातें हैं, मैं ज्यादा गर्व बात नहीं कहूंगा। 10 सालों का मेरा सजा समर्थन त्याग इस बात की कराने देता है कि कोई शख्स घोषी लोकसभा से चाहे किसी भी बरादरी का है, किसी भी मजहब का है, मेरे पास आया है, मैंने सम्मान नहीं दिया है तो मुझे खारिज कर दीजिएगा। किसी भी व्यक्ति ने अगर मैसेज भी कर दिया, किसी ने संदेशा भेजा दिया और उससे फसाद खड़ा नहीं हुआ तो आप मुझे खारिज कर दीजिएगा। लेकिन 10 सालों तक चाहे कोरोना हो, लॉकडाउन हो, बाढ़ हो, कटान हो, दुर्घटना हो, अनाथ होते हुए बच्चे हो, हर जगह मैं आपका भाई हूं, बेटा हूं, खड़ा रहा, कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। और जो हमारे सामने खड़े हैं कोई मंजर से याद नहीं आएगा जब किसी मुसीबत में आपके साथ खड़े हो, तो मेरे मालिक